हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है, डैट इज़ दी मेथड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको फ्यू डेज़ के अंदर जो है मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग जो है हम इसको दो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी, जैसे हिस्टोरिकल एनालॉगी मेथड, फील्ड सर्वे एंड ओपिनियन पोल मेथड, एक्सट्रापोलेशन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक मॉडल, लीड एंड लैग एनालिसिस, एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग, इनपुट एंड आउटपुट एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। तो सबसे पहले जब भी हम बिज़नेस फोरकास्टिंग करते हैं तो जो भी मेथड हमें यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि फोरकास्ट के पीछे हमारा लॉजिक क्या है, और उसी तरह क्या है कि जिस सिस्टम के बारे में हमने प्रेडिक्शन करनी है उस सिस्टम के अंदर जो है क्या चेंजेस अगर करती हैं, क्या उसके कंपोनेंट है जिसके बारे में हमने फोरकास्टिंग करनी है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि क्या पास्ट का कोई लिंक है, कितना पास्ट को जानना कितना नेसेसरी है अगर हमने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करनी है। तो सबसे पहले जो मेथड है डैट इज़ दी हिस्टोरिकल एनालॉगी मेथड। देखो, एनालॉगी का अर्थ होता है कि जैसे इसका इसके साथ कोई रिलेशन है, कोई संबंध है। क्या प्रीवियस जो पास्ट है, जैसे दो वेरिएबल का क्या आपस में कोई संबंध है? जैसे हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर क्या होता है कि चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर क्या होता है कि जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा मैरिजेज होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये यहाँ पे देखो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन है। तो हिस्टोरिकल एनालॉगी मेथड जो है, यहाँ पे हम किसी भी चीज़ के बारे में जब प्रेडिक्शन करते हैं तो नेचुरली जो पास्ट के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन है उसके साथ हम उसको रिलेट करके क्या उसका संबंध उसके साथ है, तो उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे मान लो 2018 के अंदर अगर कंडीशन जो है वो इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट है वो यूएसए के अंदर है, तो यूएसए के अंदर भी वो सेम थी, तो नेचुरली वहाँ पे जो स्टील सीमेंट्स कार्स की जो यूएसए के अंदर फोरकास्टिंग हुई है, तो नेचुरली क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो यूएसए में थी, तो उन्हीं कंडीशंस के अंदर जो उन्होंने फोरकास्टिंग की है वो हमारे हम लोग भी उन्हीं फैक्टर्स को लेके जो है उन चीज़ों की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और एनालॉगी जो होती है देश को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है कि जो देश है किस स्टेजेस से जो है गुजर रहा है। नेचुरली जैसे हम कहते हैं कि टेक ऑफ द स्टेज, जब इकॉनमी जो है ग्रोथ के अंदर चली जाती है तो नेचुरली कौन सी स्टेजेस से गुजरता है, तो उनका आपस में नेचुरली हर एक स्टेज के कुछ फीचर्स होते हैं, कैसे सिचुएशंस होती हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और देखो जो हिस्टोरिकल एनालॉगी मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि हम एनालिसिस करते हैं पास्ट के अंदर और क्या उसका उसके साथ कोई रिलेशन है, तो एनालॉगी के बेसिस पे क्या होता है कि फोरकास्ट मे बी मेड अबाउट द नेचर ऑफ द इवेंट्स इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह जो वर्कर का एटीट्यूड चेंज हो रहता है, सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज हो रहता है, तो किस तरह की कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो बेसिकली है लाइफस्टाइल चेंज हो रहता है। तो नेचुरली देखो जैसे जैसे देश जो है इकोनॉमिक एडवांसमेंट की तरफ जाता है तो जो पुराने बिलीफ होते हैं, जो पुराने वैल्यू सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब लोग जो होते हैं वो नए सिरे से सोचने लग जाते हैं। और ये जो मेथड है ये जो है क्वालिटेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो क्योंकि यहाँ पे एनालॉगी के बेसिस पे क्या होता है प्रेडिक्शन की जाती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली हमें हिस्ट्री को देखना पड़ता है, और हिस्ट्री के बारे में कई बार इंफॉर्मेशन लोकेट करनी जो होती है डिफ़िकल्ट होती है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। और जो सेकेंड मेथड है डैट इज़ दी फील्ड सर्वे मेथड। देखो फील्ड सर्वे या ओपिनियन पोल मेथड जो है, यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली जो हमने फोरकास्टिंग जिस बेसिस पे करनी है तो यहाँ पे हम फील्ड सर्वे करते हैं जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उन दोनों के लिए इसको जो है यूज़
किया जा सकता है। और यहाँ पे देखो जो सर्वे है इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और ये जो सर्वे हम करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा इनके अंदर सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, बायसनेस ज़्यादा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो सर्वे हम कंडक्ट करें बायसनेस को जो है ख़त्म किया जा सके। और देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हम सर्वे मेथड के द्वारा जो कलेक्ट करते हैं इसकी काफ़ी सारी डिस्कशन होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ डिस्कस किया जाता है। और नेचुरली जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने अपने व्यूज़ देते हैं, तो नेचुरली कई बार क्या होता है कि कंसेंसस व्यू के लिए क्या होता है कि डेल्फी मेथड भी जो है यूज़ किया जाता है। उसी तरह अगला मेथड जो है डैट इज़ द बिज़नेस बैरोमीटर्स। देखो यहाँ पे भी क्या होता है कि नेचुरली बैरोमीटर जो है इसको बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है हम समझते हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है उसके बारे में ये इंडिकेशन देता है। तो नेचुरली ये बैरोमीटर है जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर कंडीशन के असेसमेंट कर सकते हैं। वैसे बैरोमीटर का अर्थ होता है कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को जो है मेयर करता है। और बिज़नेस बैरोमीटर की जब हम बात करते हैं तो ये बिज़नेस कंडीशंस के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देता है, उसको इंडिकेट करता है। तो ये बताता है कि जब क्राइसिस है उस या डिप्रेशन है या रिकवरी है या प्रॉस्पेरिटीज़ है तो किस तरह से बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अंदर चेंजेस आती हैं। तो नेचुरली देखो जब भी इकोनॉमी के अंदर हमने प्रेडिक्शन करनी है तो ये इन चीज़ों को कंसिडर करता है कि इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, होलसेल प्राइसेस क्या है, कंज्यूमर प्राइसेस क्या है, स्टॉक प्राइसेस क्या है, जो बॉन्ड्स इशू किए हैं उसके यील्ड क्या है, बैंक डिपॉजिट्स एंड करेंसी आउटस्टैंडिंग क्या है, कंज्यूमर का क्रेडिट क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, डिपार्टमेंट स्टोर सेल्स क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये जो लिस्ट है बहुत ही लंबी है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की लिस्ट जो है मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो देखो जब भी ये इकोनॉमिक कंडीशंस की फोरकास्टिंग करता है तो बहुत सारी चीज़ों को ये कंसिडर करता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो इंडेक्स नंबर जैसे कि प्रोडक्शन का है, ट्रेड का है, फिनांस का है, तो इसको हम जनरल इंडेक्स के अंदर भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। और जनरल इंडेक्स जो होता है ट्रेड और इंडस्ट्री की जो जनरल कंडीशंस होती हैं उनको बताता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो कंपोजिट बिजनेस एक्टिविटी है जो कि हमें जनरल सिनेरियो के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे जो है बिजनेस मैन जो है उसको नेचुरली जब ये इकोनॉमी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देता है तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन ले सकती है कि हमें एक्सपेंशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें किस तरह से अपने स्टॉक को इंक्रीज़ करना चाहिए या डिक्रीज़ करना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें मार्केट्स को किस तरह से डिवेल्प करना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जो है इंडिकेशन देता है, फ्यूचर के बारे में असेसमेंट देता है। तो जिसके बेसिस पे जो बिजनेस हाउसेस हैं वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। और उसी तरह से जो एक्सट्रापोलेशन मेथड्स हैं इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली ये सबसे सिंपलेस्ट है और बहुत ही यूज़फुल मेथड है। और यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली जो है कि यहाँ पे ये लॉजिक लिया जाता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो एस्टेब्लिश पाथ होता है उसी को फॉलो करते हैं। और एक्सट्रापोलेशन जो है बेसिकली जो रिलाई करती है कि जो पास्ट मोमेंट है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है। तो यहाँ पे हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जैसे एक वेरिएबल जब दूसरे पीरियड में जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती, उसके अंदर क्या होता है कि कंसिस्टेंसी होती है और रेट ऑफ चेंज जो होता है यूनिफॉर्म होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेट नहीं होता। तो यहाँ पे एक्सट्रापोलेशन के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ ग्रोथ कि जो हमने सोचा है उसी तरह से उनकी ग्रोथ होती है, और जिसके बेसिस पे हम ट्रेंड कर्व जो होते हैं उनको जो है ड्रॉ कर सकते हैं। और एक्सट्रापोलेशन जो मेथड है इसके अंदर हम काफ़ी सारे ट्रेंड जो है जैसे अर्थमेटिक ट्रेंड है, तो ये बेसिकली जो है कहती है कि हर साल जो है कांस्टेंट एब्सोल्यूट अमाउंट से जो है ग्रोथ होएगी, जैसे y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स।
तो यहाँ पे सेमी लॉगरिथम ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि हर साल कांस्टेंट परसेंटेज से जो है इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है कांस्टेंट होता है। और उसी तरह जो मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड होता है, यहाँ पे ईच इंक्रीमेंट ऑफ द ग्रोथ विल बी कांस्टेंट लेस देन 100% ऑफ द प्रीवियस वन। और उसी तरह जो लॉजिस्टिक्स कर्व होता है, इसके अंदर बहुत अपर एस्मोट भी होता है, लोअर भी होता है। और नेचुरली यहाँ पे जो है इनिशियली लो वैल्यू से जो है इंक्रीज़ होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि नेचुरली ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ द ग्रोथ, जैसे जैसे मेच्योरिटी होती है तब ग्रोथ जो होती है कम होनी शुरू हो जाती है। उसी तरह लास्ट इसके अंदर जो मैंने इस लेक्चर के अंदर बताना था, बाकी जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, रिग्रेशन जो है मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर भी जो है रिग्रेशन वाले चैप्टर में कवर किया है। तो यहाँ पे हम सिंपली रिग्रेशन का जो है अर्थ जानेंगे। देखो यहाँ पे जो रिग्रेशन मेथड्स हैं, ये फोरकास्टिंग प्रॉब्लम के अंदर इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि नेचुरली यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, अगर देखो दो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, तो नेचुरली एक के बेसिस पे हम दूसरे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक डिपेंडेंट, जैसे सिंपल रिग्रेशन है तो वन वेरिएबल जो होता है डिपेंडेंट होता है, अदर जो इंडिपेंडेंट है। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे सेल जो है एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो नेचुरली जब हमें एडवर्टीजमेंट के बारे में पता है तो हम सेल के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और उसी तरह मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर बहुत सारे वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं उनका इम्पैक्ट क्या होता है उसको हम स्टडी जो है कर सकते हैं।